गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जन्माष्टमी वाले दिन मैं शाम को जा रही थी दूध लेने के लिए, और उसी टाइम मैंने देखा गली में बच्चे कितनी मेहनत करके ये चीज़ें सजा रहे हैं, और बहुत प्यारा लग रहा था। और अभी ये लाइटिंग वगैरह भी लगाने के लिए कह रहे थे, और जहाँ पे शेषनाग जी खड़े हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा गहरा गड्ढा और करके पानी डालेंगे, बहुत प्यारा लगेगा। और 2 साल से तो बच्चे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे कोरोना की वजह से, लेकिन इस बार करा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। घर आने के बाद मैं अपने बेटे को तैयार करने के लिए दुपट्टे निकाले ही थे, तो मैं इसको बनाऊंगी छोटे से कान्हा जी। तो इस बार मैं इसकी ड्रेस नहीं लेके आई थी, तो मैं अपने दुपट्टे से ही कान्हा जी की ड्रेस को रेडी करूंगी थोड़ा सा। तो यहाँ पे मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मा मैं बांधूंगी इसको धोती, तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें बांधनी तो तुम बांध लो। तो यहाँ पे उससे पीछे की प्लेटें सही नहीं हो रही थी, आगे से तो उसने बहुत अच्छे तरीके से बांध दिया था। तो जैसे साड़ी की तरह प्लेटें होती हैं, वो मैंने इस तरीके से लेके फिनिशिंग देके थोड़ा सा, और पीछे अंदर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे धोती बांधते हैं, बिल्कुल वो वाला लुक आ गया था। और ऊपर के लिए मैं दूसरा दुपट्टा यूज़ करूँगी, और मेरा जो पहले वाला दुपट्टा है ना बहुत लंबा चौड़ा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हैवी सा लुक लग रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी और वो भी हंस रहा था, तो हम यहाँ हंसी मजाक भी कर रहे थे। तो देखिए मुँह पे हाथ रखे वो हंस रहा है काफ़ी। और इसके बाद मैं उसके थोड़ा सा फेस पे लाइनर और लिपस्टिक लगा दूंगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी लिपस्टिक, क्योंकि जैसे मैं और दिन लगाती हूँ कभी कभार हल्की फुल्की सी, तो वो मुझे देख के बोलता है मैं भी लगाऊंगा, तो मैं मना कर देती हूँ कि बॉयज़ नहीं लगाते हैं। फिर वो लड्डू गोपाल की फ़ोटो देख के मुझे बोलता है भगवान जी ने भी तो लगाई हुई है, तो फिर मैं उसको बोलती हूँ कि जब आपको लड्डू गोपाल जी बनाऊंगी तब मैं लगा दूंगी, तो वो मान जाता है बड़े उससे। फिर हर चीज़ को यही बोलता है कि बॉयज़ नहीं लगाते, जब मम्मा लड्डू गोपाल जी बनाएंगी तब लगाएंगे। तो देखो कितने अच्छे से लगा के जैसे मैंने बोला बिल्कुल वैसे ही कर रहा है। और बार बार वो अपने आप को शीशे में देखने जा रहा था कि मम्मा ने अब क्या कर दिया है, मम्मा ने अब क्या कर दिया है। और यहाँ पे मैं फिर से उसको पकड़ के लेके आई, मैंने कहा पहले लाइनर लगवा लो, और मुझे लग रहा था कि शायद वो ढंग से नहीं लगवा पाएगा, लेकिन उसने परेशान नहीं किया, बहुत अच्छे से लगवा लिया था। नहीं तो बच्चे बहुत ज़्यादा हिलते डुलते रहते हैं इतने छोटे छोटे, और आधे से ज़्यादा सामान मेरा मिल नहीं रहा था, क्योंकि मैं पता नहीं कहाँ रख के भूल गई हूँ। जैसे नकली बाल थे वो नहीं मिल रहे हैं, बाजू बंद था, और 2-3 तरह की माला थी गले में पहनाने के लिए, तो वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। मैंने एक जगह ही उठा के रखी थी, लेकिन जैसे सफाई करती रहती हूँ रखी हुई संभाल के हैं, लेकिन कहीं भी नहीं मिल पा रही है इस टाइम, क्योंकि जल्दी भी हो रही थी और एक दिन पहले से ही मैं ढूंढना भी शुरू कर रही थी, पर कहीं भी नहीं मिली है मुझे, या तो बेड में है, तो सारी चीज़ें हटा हटा के मुझे देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इस बार जैसे है वैसे ही कर लेते हैं। और थोड़ा सा लाइनर जो है वो नीचे लग गया था, तो मैं ईयरबड से उसे अच्छे से क्लीन कर रही हूँ ताकि आंखें काली काली ना लगें, और एकदम से ये आंखें मलने लगा था तो मैंने याद दिलाया, फिर हटा लिया था उसने हाथ। और अब की बार मैं अपने बेटे के कपड़े इसलिए नहीं लेके आई थी, क्योंकि यहाँ पे एक तो देखिए वैरायटी अच्छी नहीं मिलती है, सिल्कन सा मतलब थोड़ा सा ना मिक्स रहता है, प्योर कॉटन नहीं मिलता है, प्रिंट अच्छे नहीं होते, एक बार धोने में ही वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि पड़ोस में ला रखे हैं। और जो पिछली बार मेरा भाई लेके आया था जब ये बहुत छोटा था, तो इसने 3 साल उसको यूज़ किया है, प्योर कॉटन है, उसका प्रिंट बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। और देखिए बात आती है एक दिन पहनने की, सिर्फ एक दिन के लिए आप अगर पैसा खर्च करते हैं दोबारा वो चीज़ बच्चे के यूज़ में नहीं आएगी, तो मैं सोचती हूँ पैसा क्यों वेस्ट करना इस चीज़ के लिए। जब अभी बीच में कभी हमारा मथुरा का चक्कर लगेगा तो मैं वहीं से लाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है, जैसी आप लेना चाहेंगे, सस्ते से सस्ती, महंगे से महंगी। और प्योर कॉटन में मेरे बेटे के जो थे वो प्योर कॉटन में थे, उसे एक तो पहन के गर्मी नहीं लगती थी, प्रिंट नहीं ख़राब हुआ था, तो मुझे वैसी ही चीज़ लेनी है। मैं 2 नंबर जैसे इसे बड़ा ले आऊँगी कि बच्चा 2-3 साल तो कम से कम यूज़ कर ले, क्योंकि सिर्फ एक ही दिन, वो भी एक दिन पूरे नहीं, थोड़ी देर के लिए ही पहने जाते हैं बच्चे, थोड़ी देर के लिए ही पहनते हैं। तो इसीलिए जब मेरा बीच में कभी चक्कर लगेगा मैं वहीं से लेके आऊँगी। तो इस बार तो मैंने ऐसे ही रेडी कर दिया है, लेकिन बच्चे तो किसी भी रूप में अच्छे लगते हैं, तो देखिए ऐसे सिंपल तरीके से भी मेरा बेटा बहुत प्यारा लग रहा है। और कल की वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि मैंने लड्डू गोपाल जी नहीं रखे हुए हैं, मैं मंदिर में चढ़ाने के लिए ड्रेस ले रही हूँ। तो मेरी वीडियो पे एक अंडी जी का कमेंट आया था, उनका भी अपना चैनल है, तो उन्होंने बहुत प्यारा कमेंट लिखा था कि आपके घर तो बेटा ऑलरेडी लड्डू गोपाल जी हैं। तो सच में ये कमेंट मुझे बहुत प्यारा लगा, भगवान की कृपा से मेरे घर लड्डू गोपाल जी हैं। तो
थैंक यू आंटी जी, मुझे आपका कमेंट बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से तैयार कर रही हूँ। और आपने स्कूल में नाटक में बहुत जगह देखा होगा कि कान्हा जी बहुत तरीके से तैयार किए जाते हैं, तो इसीलिए मैंने दो दुपट्टे यूज़ करके अपने बेटे को रेडी किया है और नीचे मैंने कॉटन का दुपट्टा यूज़ किया है ताकि वो कंफर्टेबल रहे, पसीना भी ना आए और बार बार वो खुले भी नहीं। ऊपर वाला दुपट्टा मैं 3-4 बार सेट कर चुकी हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा दूसरे कपड़े में है, बार बार फिसल जाता है, तो इसीलिए मैं उसे 3-4 बार मतलब उसको सेट कर चुकी हूँ पिन से, लेकिन फिर भी वो खिसके जा रहा है इधर से उधर। तो चलिए मेरे कान्हा जी हो चुके हैं रेडी, अब चलते हैं मंदिर। और यहाँ पे जाने से पहले मैंने अपने बेटे को गोद में लिया था, मैंने कहा बेटा एक प्यारी तो दे दे आज, तो उसने प्यार कर दिया है। और ये मंदिर जाने के लिए हमने सामान रख लिया है, तो सारी चीज़ें हमने रख ली है। अब की बार मैंने घर पे मिठाई नहीं बनाई है। और ये हमारे बिल्कुल घर के पास ही मंदिर है, हम हमेशा इसीलिए आते हैं और यहाँ पे हो रहे हैं भजन। और कोरोना की वजह से मैं और कहीं भी नहीं लेके जा रही हूँ बच्चों को। जब हम छोटे थे, अनमैरिड भी थे, तब तक हम मम्मी पापा के साथ बहुत सारे मंदिर जाते थे घूमने के लिए, लेकिन अब का माहौल थोड़ा सा चेंज हो गया है और यहाँ से भी जाते हैं लोग, लेकिन मेरे घर से कोई नहीं जाता, इसलिए मैं बच्चों को ज़्यादा दूर नहीं लेके जाती हूँ, सिर्फ इस मंदिर में लेके आती हूँ। बाकी जो एक दो गली में सजाते थे वो दिखा देती हूँ, लेकिन कोरोना की वजह से वो भी सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो चलिए अब करते हैं लड्डू गोपाल जी के दर्शन और झूला झुलाते हैं। तो अब की बार देखिए यहाँ पे ना बड़े वाले लड्डू गोपाल जी बैठा रखे हैं, हर बार छोटे बैठाते हैं, तो देखिए ये रे छोटे वाले, दोनों के दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब की बार बड़े वाले लड्डू गोपाल जी झूले में हैं और छोटे वाले साइड में हैं। और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे झूला रहे हैं लड्डू गोपाल जी को झूला। और ये देखिए दोबारा से आगे जाके फिर से मुड़ कर आया है कि नहीं मुझे और झुलाना है, और बहुत आराम से झुला रहा है, उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को झुलाने में, और बहुत प्यारा भी लग रहा था इस तरह झुलाता हुआ ना। और यहाँ पे सारा सामान पंडित जी को दे दिया था बेटी ने, और जो फल और मिठाई थी वो पंडित जी ने बोल दिया था साइड में जहाँ पे चढ़ाते हैं वहाँ चढ़ा दीजिए। और मंदिर बहुत अच्छे से सजाया हुआ था गुब्बारों वगैरह से और बहुत ज्यादा मन लग रहा था यहाँ पे। घर आ रहे थे तो जिनका मंदिर है उन्होंने मेरे बेटे को रोक के पैसे देने लगे, पिछली बार भी पैर छू के पैसे दिए थे कि ये छोटा सा कान्हा है और हमारे मंदिर में आया है। डरा रही है क्यों, क्या कह रही है? आईसीयू वाईसी कुछ नहीं होता, छोटा बच्चा। और रात के बज रहे हैं 12:15 और हम आ गए थे चांद को जल देने के लिए, और इतनी प्यारी हवा चल रही थी ठंडी ठंडी और पूरे में घटा छाई हुई थी, ऐसा लग रहा था बस जैसे अभी बारिश आने वाली है। और चांद बादलों में छुप रहा था निकल रहा था, छुप रहा था निकल रहा था, बहुत प्यारा ये नजारा लग रहा था। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है आज चांद। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, बार बार दिया बुझे जा रहा था, फिर मेरी बेटी अंदर से जला के लेके आई। और अब हम यहाँ पे चांद को देंगे जल। तो चलिए फ्रेंड्स मैं करती हूँ अब अपनी वीडियो का एंड, नीचे जाके अब हम व्रत खोलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।